यहाँ पर हमारे कोचिंग के डायरेक्टर विकास सर जी और हमारे जूनियर सर जी और प्यारे साथियों, आप सबको फेयरवेल के बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं और आभार व्यक्त करता हूँ। और देखिए, फेयरवेल को मनाने का जो है रीति है कि जो है आज का दिन खुशी का भी है और गम का भी है। खुशी इस बात की है कि जो है आप अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त करने जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना की है आपने और आप लगातार इस कोशिश में लगे हैं। शुरू से आपने जो सूर्य साथ जो साथ जो पढ़ाई की है ट्वेल्थ की, वो आपका रंग लाने वाला है, इस बात की खुशी हमें। और दुख बात यह है कि जिस तरह से हम लोग ने जो है पढ़ते आते थे ट्वेल्थ क्लास में, अच्छे से रहते थे, हर एक तरह का हंसी मजाक खुशी और बहुत प्यार से पढ़ते थे, समझते थे, वो टाइप शायद अब हमें नहीं दिखाई देता। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा दुख है, लेकिन हमें ज़िंदगी से जो है एक अच्छा आपको लेके जाना है। आपको निगेटिव में जो है दुख को आपको भूल जाना है, ज़्यादा नहीं लेना है और आपको आगे जाना है। विकास सर ने और हमारे सर सीनियर सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपको कि एग्जाम में कैसे आपको रहना है। जैसे फ्री माइंड बताया आपने, उन्होंने बताया आपको फ्री माइंड रहना है, बिना प्रेशर के आपको एग्जाम देना है। निगेटिव चीज़ें निगेटिव थिंकिंग नहीं लिखना है कि ऐसा नहीं ऐसे हो जाएगा, वो सब चीज़ निकाल देना है। जितने भी तैयारी की आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और अच्छे से लिखिएगा आप लोग, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे पहले आते हैं आपको क्वेश्चन, वो सही से करिएगा। आपका तो सेकेंड एग्जाम है, पहले तो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं, पहले भी आपने देख लिया है, इसका अनुभव भी हो चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छे से मेहनत किए हैं, अच्छे से रिजल्ट आएगा आपका, जो भी आपने मेहनत किए हैं हमारी दुआएँ हैं, हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके लोग के लिए। और विशेष में कहना चाहते हैं, जो भी आपके गुरुजन हैं, जैसे सर ने भी बताई दी है कि जो है सम्मान ऊपर चीज है, ठीक है, सम्मान आप रखिएगा, इज्जत रखिएगा सभी का और अपने कोचिंग का नाम, अपने संस्था का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। आप सारे लोग हम लोग के ही आप लोग से जो है विनती है और प्रार्थनाएँ हैं कि हम लोग के लिए जो है आपने जो भी मेहनत किए हैं वो अच्छे से लिख करके हमें जल्द अच्छे दें, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात रखते हैं।